नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने मार्क के बारे में देखा था। यहां पे आपको ट्रांजैक्शंस में वाउचर्स में जाना था और यहां पे अदर्स वाउचर्स में जा रहे थे जब हम लोग, तो यहां पे अपने को बहुत सारे ये वाउचर्स दिख रहे थे, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, ऑर्डर वाउचर और पेरोल वाउचर्स। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम लोग थे, यहाँ पे एक पेमेंट कॉन्ट्रा और जर्नल वाउचर और साथ में मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जर्नल वाउचर भी हमने चेक कर लिया था। इसके बारे में जान लिया था अच्छे से किसका क्या यूज रहता है वाउचर का टैली के अंदर में। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे सेल्स वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर की। तो मैं सेल्स वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर की साथ में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो क्रेडिट नोट वाउचर होता है दोस्तों, वो आपका रिटर्न से रिलेटेड रहता है। मान लीजिए आपने कोई सामान सेल किया या कोई सर्विस आपने सेल किया, उसको अगर आपको रिटर्न लेना है तो आप क्रेडिट नोट के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। तो आज का जो वाउचर रहेगा दोस्तों, सेल्स वाउचर, अपन इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे क्योंकि कोई भी कंपनी ओपन होती है दोस्तों, उसमें कुछ भी प्रॉफिट वगैरह होता है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है। चाहे आप कोई सामान सेल करें या तो अपनी आप सर्विस सेल करें, तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी आपकी कंपनी रन कर पाएगी। तो सेल्स वाउचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सेल्स वाउचर्स और क्रेडिट नोट वाउचर्स के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की रहेगी। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो और बाकी कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेल्स और क्रेडिट नोट से रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स वाउचर्स को। तो अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ, वाउचर मैंने ओपन किया, मैं यहाँ पे अगर सेल्स वाउचर ओपन करता हूँ या तो F8 में प्रेस करूँगा तो सेल्स वाउचर अपना ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना डिटेल आ रहा है इसमें, सेल्स में वाउचर नंबर आ रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन टाइप उस कंडीशन में आएगा अगर आप मल्टीपल GST मेंटेन करते हैं, आपकी कंपनी के GST एक से ज़्यादा है, अलग अलग स्टेट्स में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा और यहाँ से आप कंपनी GST रजिस्ट्रेशन से आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको जिस भी रजिस्ट्रेशन में एंट्री लेनी है आपके सेल्स इनवॉइस की, उस रजिस्ट्रेशन को आप ओपन कर लेंगे। तो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे अपन सब कुछ डिटेल में समझेंगे। उसके पहले अगर आपने मास्टर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको ज़रूर देखिए क्योंकि अपने को पहले मास्टर्स ही बनाने रहते हैं। कोई भी वाउचर एंट्री करनी हो सबसे पहले मास्टर्स ही क्रिएट करने रहते हैं, उसके बाद ही अपन वाउचर एंट्री कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको चलूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ वाउचर टाइप के अंदर में, तो अपने वाउचर टाइप इतने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं जो टैली के अंदर अपने यूज के हैं। अब इसमें आपको सेल्स वाउचर भी दिख रहा होगा, तो ये सेल्स वाउचर अगर अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली सेल्स के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे भी सभी चीज़ें आपको फिर से एक बार क्लियर करूँगा। तो दोस्तों जो टैली का डिफ़ॉल्ट वाउचर है सेल्स करके, तो सेल्स में ये सारे डिटेल्स रहते हैं, आप अपना खुद का भी वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपना खुद का एक वाउचर क्रिएट करता हूं और आपको डिटेल में समझाता हूं, फिर उसके बाद एक कुछ मास्टर क्रिएट करता हूं उसको भी आपको डिटेल में समझाता हूं, फिर उसके बाद अपन वाउचर क्रिएट करेंगे, फिर उसको रिटर्न की एंट्री लेंगे उसमें से और उसकी प्रिंटिंग वगैरह देखेंगे और उसमें साथ में रिपोर्ट्स देखेंगे कहाँ से क्या रिपोर्ट आपको दिखने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं दोस्तों यहाँ पर चले जाऊँ क्रिएट में और अपना मैं खुद का एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर केस में लोग यही करते हैं, अपना खुद का वाउचर टाइप बना लेते हैं अलग अलग वाउचर से रिलेटेड। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड चीज़ें कुछ बनानी है, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे एक वाउचर बना लूँगा व्हीकल सेल्स करके, ये अपना वाउचर टाइप हो जाएगा व्हीकल सेल्स। या तो यहाँ मुझे पार्ट्स बेचने हैं तो मैं स्पेयर सेल्स करके भी बना सकता हूँ। अगर आप चाहें तो सभी वाउचर्स को सेल्स में ही रख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर रिपोर्टिंग चाहिए तो आप इस तरीके से अलग अलग वाउचर मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर व्हीकल सेल्स करके एक वाउचर बना लिया। अब यहाँ पे जो मेन वाउचर टाइप है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आपको दिखेंगे, ये सारे मेन वाउचर टाइप हैं जो टैली में डिफ़ॉल्ट पहले से रहते हैं और इसी के अंदर में ही आपको इस वाउचर को भी रखना है। तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर करके आ रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेल्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस भी अपने इनेबल हो चुके हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्टिव इनएक्टिव करके, अगर आप इस वाउचर को यूज नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपने कुछ एंट्री वगैरह कर लिया या फ्यूचर में आप इसको यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसको इनएक्टिव करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आप इनएक्टिव कर सकते हैं, इसको नो करेंगे ये वाउचर इनएक्टिव हो जाएगा, उसमें आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, बाकी अगर पहले से कोई एंट्री रहेगी तो उसकी रिपोर्टिंग वगैरह आप प्रॉपर देख पाएंगे। तो अभी अपन ये नया वाउचर ही क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को इसको एक्टिव रखना है, इसलिए इधर अपने को यस ही रखना है।
उसके बाद फिर वाउचर नंबरिंग मेथड आ जाता है दोस्तों। तो नंबरिंग मेथड में अपना ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, मल्टी यूजर ऑटो है। तो अब दोस्तों ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आपकी वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक चलेगी, टैली अपने हिसाब से जनरेट करेगा 1, 2, 3, 4, 5 करके। आप बीच में कोई भी वाउचर नंबर वगैरह उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटिक मैनुअल में क्या रहता है, ऑटोमेटिक मैनुअल इसमें दोनों तरीके का काम करेगा। तो आपका ऑटोमेटिक भी वाउचर नंबरिंग चलेगी और बीच बीच में आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं अपना वाउचर नंबर को। और उसके बाद फिर मैनुअल करके है तो इसमें कम्प्लीटली आपको अपने से ही आपका इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर डालना पड़ेगा उसको मैनुअली। और यहाँ पे मल्टी यूजर ऑटो करके है तो मल्टी यूजर ऑटो और ऑटोमेटिक सेम ही रहता है। मल्टी यूजर ऑटो में आपके जो मल्टीपल यूजर्स हैं, बहुत सारे जैसे बहुत सारे लोग जो टैली में काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट ना हो वाउचर टाइप के बीच में, तो आप मल्टी यूजर ऑटो यूज कर सकते हैं। इसका सबसे कम ज़्यादा तो इसका यूज़ सबसे कम रहता है, सबसे ज़्यादा यूज जो रहता है दोस्तों मैनुअल और ऑटोमेटिक का ही रहता है। और नन करके है, नन करने से मतलब आपका यहाँ पे कोई भी वाउचर नंबर नहीं आएगा। तो अपन अभी फिलहाल सेट करेंगे ऑटोमेटिक पे, क्योंकि अपन सेल इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ही अपना सारा वाउचर नंबरिंग चलता रहे, मुझे बीच बीच में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने अलग से भी वाउचर सेल्स करके बना लिया है, व्हीकल सेल्स करके। अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, री नंबर वाउचर्स करके। तो रिटेन ओरिजिनल वाले में क्या रहता है, मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट करके रखा है और आप बीच में अगर कोई वाउचर डिलीट कर देते हैं तो बाकी वाउचर्स की आपकी नंबरिंग चेंज नहीं होगी। बाद में अगर उन वाउचर्स का, डिलीट हुए वाउचर नंबर्स का आपको यूज करना है तो आप यूज भी कर सकते हैं। और रीनंबरिंग वाउचर्स में क्या होता है, रीनंबर वाले में आप अगर 20 से कोई एक वाउचर डिलीट भी कर देते हैं तो सभी सीरियल्स जो है शुरू से आखिरी तक चेंज हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को बिल दिया हुआ है, मान लीजिए बीच में किसी ने कोई बिल कैंसिल करा दिया और गलती से आपने वो बिल डिलीट कर दिया, तो आपके सभी वाउचर नंबर चेंज हो जाएंगे। तो आपने जो भी कस्टमर्स को बिल दिए होंगे तो उनके नंबरिंग चेंज हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रीनंबर वाउचर्स आप सेल्स में मत रखिए, इसको आप रिसीप्ट में या पेमेंट वगैरह में यूज कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर अच्छे से काम करता है। तो यहाँ अगर अपन सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने को रिटेन वाला ही रखना है, ताकि अपना जो भी वाउचर कस्टमर के पास, जो भी इनवॉइस गई है, जो भी इनवॉइस नंबर कस्टमर को अपन ऑलरेडी काट के दिए हुए हैं, तो उसमें कोई चेंजेस ना आए। इसलिए अपन ये रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर ही यूज करेंगे सेल्स के कंडीशन में। अब यहाँ पे है दोस्तों सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स करके, अपना खुद का नंबर हमें डिसाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे खुद का नंबर अपना डिसाइड करूँगा। मैं मान के चलता हूँ मैं ईयरली बिलिंग करूँगा, मेरे साल भर में कम से कम 1000 मशीन्स सेल होते होंगे, 1000 व्हीकल सेल होते होंगे, तो मैं यहाँ पे कम से कम 4 डिजिट लेके चलूँगा। विथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट में इधर 4 रख दूँगा, ताकि अपना 4 डिजिट तक चले, 0001 से स्टार्ट हो, तो अपना 1000 बिलिंग हो जाएगी तो उसमें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपना 4 डिजिट तक वो रहेगा। प्रीफिल 0 कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं, ताकि अपना वाउचर नंबर के पहले 0 फिल हो जाए, तो अपना 0001 करके इस तरीके से आ जाए। इसको यस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रीस्टार्ट नंबरिंग अपने को एक नंबर से ही शुरू करना है, ईयरली ही रखेंगे अपना, क्योंकि ईयरली ही चलता है सारा ट्रांजैक्शन, मंथली रखने की ज़रूरत नहीं है, ईयरली ही रखेंगे यहाँ पे। बाकी बहुत से लोग मंथली भी चलाते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग हर महीने बिल उनका देना रहता है। उसके बाद फिर दोस्तों है यहाँ पे प्रीफिक्स डिटेल, यानी कि आप वाउचर नंबर के पहले अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो मैं वाउचर नंबर के पहले रखना चाहता हूँ VS करके, व्हीकल सेल्स करके, तो मैं इस तरीके से VS लिख दूंगा, तो मुझे पता रहेगा कि जिसको भी मैं इनवॉइस दूंगा मुझे पता रहेगा ठीक है ये व्हीकल सेल वाला है। पार्ट्स के लिए मैं PS, ऐसा मतलब शॉर्ट में आपको कुछ ऐसा लिख देना है, प्रीफिक्स आपको ऐसा लगा देना है जिससे आपका थोड़ा सा इनवॉइस नंबरिंग भी सही हो जाए, और जो भी आप फ्यूचर में अगर उसको कुछ ट्रैक भी करना चाहें तो आपका वहाँ से ट्रैक भी हो जाए चीज़ें। उसके बाद अपन यहाँ पे साथ में ऑब्लिक वाला ये वाला चिन्ह भी लगाएंगे, ताकि अपना वाउचर नंबरिंग है VS/0001 करके। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना प्रीफिक्स होगा, वाउचर नंबर के पहले लगेगा। उसके बाद सफिक्स वाला भी ऑप्शन इसके बाद में है, तो सफिक्स ऑप्शन में आप को जो वाउचर नंबर के बाद चाहिए वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ सफिक्स में अपन जैसे ईयर डाल सकते हैं, अपना कौन से ईयर की बिलिंग है, तो यहाँ पे ऑब्लिक 23/24 कर देते हैं, तो इस तरीके से आएगा अपना। और इसमें आपको डेट भी सभी में सभी में अप्लीकेबल फॉर्म भी मिल जाता है, तो आप डेट डाल सकते हैं जब से भी आपको ये वाउचर नंबरिंग अप्लीकेबल करनी है।
अब अपन इसको सेव कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर आपने रिटेन वाला चूज किया हुआ है तो आप ये जो शो अनयूज्ड वाला है इसको भी आप यस करके ही रखिए हमेशा, क्योंकि अगर बीच में कोई भी वाउचर नंबर यूज करना हुआ जो आपका मिसमैच हो रहा है इनवॉइस नंबरिंग वगैरह, तो आप उसको यूज कर सकें जो बचा हुआ वाला वाउचर नंबर है, तो ये यस करके ही रखना है अपने को। उसके बाद फिर है दोस्तों यूज इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर्स करके। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी जर्नल वाली, तो उसमें मैंने बताया था इफेक्टिव डेट का क्या यूज रहता है वाउचर के ऊपर, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो इफेक्टिव डेट में होता क्या है, वाउचर किसी और डेट में करेंगे उसको, वाउचर का इफेक्ट अपना किसी और डेट में पड़ेगा बुक्स के ऊपर में, तो उस कंडीशन में आप इफेक्टिव डेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अपन जिस डेट में सेल की इनवॉइस काटें उसी डेट में इफेक्ट रहे अपना, तो उस कंडीशन में आप इसको नो करके रखिए। तो अपन यहाँ पर नो करके ही रखेंगे। अब इसमें अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस करके है, तो अगर आप मान लीजिए किसी को सेल कर रहे हैं और साथ में आप कुछ गिफ्ट वगैरह भी उसको दे देते हैं जिसका आप अमाउंट नहीं लेते कस्टमर से, तो उस कंडीशन में आप जीरो बिलिंग को यस करके रख सकते हैं। यानी कि आप कस्टमर को आइटम के साथ में जो जिसका तो अमाउंट लगा है तो लगा है, उसका तो पैसा आप लेंगे कस्टमर से, लेकिन कोई अगर प्रोडक्ट आप कस्टमर को फ्री में दे रहे हैं तो उसको आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन करके यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद फिर है मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल करके बाय डिफॉल्ट। तो अपने को ये वाउचर टाइप ऑप्शनल नहीं रखना है, अगर अपन इसको ऑप्शनल रखेंगे तो इसका इफेक्ट अपने बुक्स में नहीं जाएगा। तो अगर आपको जानना है कि ऑप्शनल वाउचर क्या होते हैं, ऑप्शनल हो गए, पोस्ट डेटेड हो गए, रिवर्सिंग जर्नल हो गए, ये सब वाउचर्स का क्या यूज रहता है, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, ऑप्शनल वाली मैंने वीडियो उसमें बनाया हुआ है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शनल वाउचर का एग्जैक्टली यूज क्या रहता है। तो फिलहाल अपने को इसको नो करके ही रखना है क्योंकि अपने को ट्रांजेक्शन्स ऑप्शनल में नहीं डालने। उसके बाद है दोस्तों अलाउ नरेशन इन वाउचर करके। तो वाउचर में आप नरेशन जरूर डालिए, चाहे आपका इनवाइस हो या कोई नॉर्मल वाउचर हो, अकाउंटिंग वाउचर हो, नरेशन आप जरूर इसको इनेबल करके ही रखिए, इसको हमेशा ऐसे ही रखना है। प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर करके। तो आप हर एक लेजर में भी नरेशन डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको डबल एंट्री सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन जब जर्नल वाली एंट्री करे थे तो उसमें आप देख लेना मैंने हर एक लेजर के लिए कैसे इसको इनेबल किया हुआ है, उसमें डबल एंट्री सिस्टम मोड में अपन कैसे नरेशन डाल सकते हैं सभी लेजर्स का, उसमें बताया हुआ है। तो इसको भी अपने को सेल्स वाउचर के लिए नो ही करना है, क्योंकि सेल्स वाउचर में अपन ज़्यादातर बिलिंग सिंगल एंट्री सिस्टम मोड में ही करेंगे। उसके बाद फिर ऑप्शन है दोस्तों इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस करके। तो ये अकाउंटिंग एलोकेशंस क्या होता है कि आपका जैसे मान लीजिए कोई आइटम आपने सेल किया, अब वो 18% वाला आइटम था, तो आप एक लेजर बनाएंगे सेल्स 18%, तो वो वाला आइटम जाएगा सेल्स 18% में, ठीक है। तो वैसे ही सेल्स 5% में जाएगा, तो हर एक आइटम आपका 18% 5% जितने परसेंट का रहेगा, अलग अलग आपने सेल्स लेजर बना दिया, अलग अलग सेल्स लेजर में उसका आइटम एलोकेशन आइटम उसका चले जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं यस करूँगा तो एक डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन क्रिएट होगा, मतलब एक ही लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट्स करके, उसी में सारे जाएंगे। तो अपने को इसको नो करके ही रखना है, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है ऐसा कि सिंगल अकाउंट में ही डालना है तो आप यस कर सकते हैं। बाकी टैली का डिफ़ॉल्ट फीचर भी रहता है कि आप जब ऐसा क्रिएट करते हैं आइटम अलग अलग रेट वाला, तो ऑटोमेटिक टैली का सेल्स वाउचर उसके हिसाब से ही कन्वर्ट हो जाता है, तो ये चीज़ आपको फिर यहाँ पर यस नो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर दोस्तों है जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। तो ये वाला आप यस करके रखिए, क्योंकि आपका जब भी इनवॉइस आप प्रिंट करें तो उसमें आपके क्यूआर कोड वगैरह जाएं, ताकि कस्टमर आपको पेमेंट कर सके लगे हाथ। तो जब भी किसी कंपनी में अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो पैसा भी तो लेना रहता है, तो पैसा लेने का भी जो मेथड है आपका क्यूआर कोड से, यूपीआई कोड से, ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, सारी चीज़ें एडवांस तरीके से काम करती हैं। तो अपन भी यहाँ पे यस करके रखेंगे, ताकि अपन भी क्यूआर कोड के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकें या किसी पेमेंट लिंक से पैसा कलेक्ट कर सकें। यहाँ पे है दोस्तों व्हाट्सअप वाउचर आफ्टर सेविंग करके। मान लीजिए इस इनवॉइस को आपको व्हाट्सअप भी करना है, आपने जैसे ही इनवॉइस सेव किया, सेल्स इनवॉइस सेव किया, वैसे ही आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को वो व्हाट्सअप में चले जाए, तो आप यहाँ पे इनेबल कर लीजिए। व्हाट्सअप का फीचर भी बढ़िया आ गया है अभी टेलीप्राइम 4 में। उसके बाद फिर है दोस्तों प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। अगर आप तुरंत ही चाहते हैं कि जैसे ही आप इनवॉइस सेव करें आपका प्रिंट भी हो जाए, तो इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो ही रखेंगे। अब उसके बाद फिर दोस्तों है यहाँ पे यूज फॉर POS इनवॉइसिंग। POS इनवॉइसिंग क्या होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा,
तो POS का मतलब होता है दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल करके। तो पॉइंट ऑफ सेल में जैसे तुरंत तुरंत आपके यहाँ कोई भी कस्टमर आ रहा है आपका, मान लीजिए जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया, आपने बहुत सारे आइटम सेल करने हैं, लंबी लिस्ट है, कोई भी आया बंदा तुरंत सामान लिया, पैसा दिया, आपको चलते बना, तो उस कंडीशन में आप POS इनवॉइसिंग यूज कर सकते हैं। इसमें बिल वगैरह भी छोटे छोटे निकलते हैं, पतले पतले वाले आपने देखे होंगे कहीं कहीं ग्रोसरी स्टोर वगैरह में जो पतले से बिल निकल जाते हैं, तो वो POS के लिए यूज होता है। इसमें POS में काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, पेमेंट कलेक्शन को भी लेके और बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी। तो इसको अपन एक अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनेगी इसकी POS वाली भी। उसके बाद फिर है दोस्तों डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट करके। जैसे आप प्रिंट करें, अगर उसमें आपको स्पेसिफिक अपना खुद का कुछ टाइटल रखना है तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आप प्रिंट करेंगे सबसे ऊपर में टैक्स इनवॉइस करके लिख के आता है, अब वहाँ पे टैक्स इनवॉइस के बाद में आपको कुछ टाइटल भी देना है आपके इनवॉइस का, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये अपना प्रिंटिंग से रिलेटेड हो गया। आप प्रिंट वगैरह में भी इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसका पैसा आपको किसी स्पेसिफिक बैंक में ही कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बैंक सेलेक्ट करके अपना रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं रहती हैं सारी चीज़ें, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। तो ये ज्यूरी डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई सामान सेल कर दिया और कोई कैश वेस कर दिया आपके ऊपर, तो आपका जैसे उसमें किसी किसी बिल में लिखा नहीं रहता कि सभी चीज़ें अपने इस कोर्ट में ही मान्य होंगी, तो वैसा टाइप का आप जीरो डिस्काउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इधर बस आपको जगह का नाम डाल देना है, तो आप जब प्रिंट निकालेंगे इनवॉइस का तो वहाँ पे लिखा रहेगा बाकायदे सब्जेक्ट टू रायपुर जीरो डिस्काउंट करके। तो जो भी अपना कोर्ट वोट से रिलेटेड वाला काम है वो आपको डाल के रखना है बिल में, सभी के डलना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट है डाल सकते हैं, बाकी आप इनवॉइस प्रिंटिंग करते समय वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। वैसे ही आप चाहें तो डिक्लेरेशन भी डाल सकते हैं। डिक्लेरेशन होता है अपना टर्म एंड कंडीशन, अगर आपके सेल इनवॉइस में कुछ डिक्लेरेशन वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यस किया तो अब यहाँ पे आ गया वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, प्रिंट करते समय भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पहले से ही यस करके रखेंगे तो इस पर्टिकुलर वाउचर में जब भी आप प्रिंट निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें अपनी आ जाएंगी। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है डिफ़ॉल्ट GST रजिस्ट्रेशन करके। तो ये मल्टी GST वालों के लिए है, मान लीजिए अलग अलग जिसका GST रजिस्ट्रेशन है, जैसे मेरा यहाँ पे 2 GST रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। अब मैं इस व्हीकल सेल्स वाले वाउचर को अपने दोनों GST रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एनी सिलेक्ट करके रखूँगा। अगर पर्टिकुलर मुझे सिर्फ एक ही GST रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करना है तो मैं एक ही के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं सिर्फ डेली के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ डेली सिलेक्ट करके रखूँगा। तब मैं अपना वाउचर नेम भी थोड़ा चेंज कर दूँगा, तब मैं ऐसा कर दूँगा डेली व्हीकल सेल्स, ताकि मैं CG वाले के लिए भी बना सकूँ CG व्हीकल सेल्स, ऐसा करके अलग अलग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एनी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे वाउचर में ही ये रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो यहाँ पे एनी सिलेक्ट करना ज़्यादा सही रहता है। अब उसके बाद फिर दोस्तों है यूज कॉमन वाउचर नंबरिंग फॉर ऑल GST रजिस्ट्रेशन। तो ये आप यस करके ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप एक ही व्हीकल सेल्स वाउचर में अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन वाले नंबर्स को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे यस रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एंट्री सेव नहीं होगा। फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा कि आपने ऑलरेडी ये वाउचर नंबर सीरीज इस वाले रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया हुआ है। तो यहाँ भी अगर आप सिंगल वाउचर व्हीकल सेल्स को 2 रजिस्ट्रेशन 3 रजिस्ट्रेशन GST के लिए यूज कर रहे हैं तो ये वाला ऑल GST रजिस्ट्रेशन नंबरिंग, इसको आप यस करके रखिए। उसके बाद फिर है दोस्तों वाउचर क्लास करके, नेम ऑफ क्लास करके है। वाउचर क्लास आप बना सकते हैं अगर आपको फास्ट एंट्री करनी है। फास्ट एंट्री किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप वाउचर ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट पहले से लिखा आ जाएगा, GST के लेजर पहले से लिखे आ जाएंगे, तो आपको उस कंडीशन में अपने को मैनुअल एंट्री नहीं डालनी पड़ती है। तो अभी फिलहाल मैं इसको क्लास नहीं डाल रहा हूँ, एक बार सेव करता हूँ, पहले एक नॉर्मल एंट्री करूँगा फिर आपको क्लास के साथ एंट्री करके दिखाता हूँ, तो ज़्यादा समझ आएगा। अभी मैं इसको चलिए सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव किया, अपना ये वाउचर सेव हो गया, मैंने कंट्रोल ए किया, सेव हो गया। अब आप चाहें तो एंटर करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अल्टर में जाऊँ इसको देखने के लिए, अल्टर में चले गया, यहाँ पे चले गया वाउचर टाइप में, तो मैंने व्हीकल सेल्स करके जो बनाया हुआ है तो ये वाला मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसमें सारी डिटेल्स डले हुए हैं, अगर कुछ चेंजेस करना हुआ तो अपन चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट विलीट करना हुआ तो यहीं से आप Alt D प्रेस करेंगे, डिलीट वाला बटन दिख रहा है, डिलीट हो जाएगा। लेकिन वाउचर एंट्री होने के बाद में आप डिलीट नहीं कर सकते हैं इसको, बाकी आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में वाउचर टाइप में भी वो चीज़ें दिख जाएंगी।
तो यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स में आप जैसे वाउचर टाइप टाइप करेंगे तो इधर आपको वाउचर टाइप दिख जाएगा, और इसमें आपका ये व्हीकल सेल्स करके अलग ही दिख रहा है। बाकी जो ब्लैक कलर वाले एकदम डार्क ब्लैक में दिख रहे हैं, ये टैली के डिफॉल्ट वाले हैं, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने बनाया हुआ है इसको आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो टैली के डिफॉल्ट वाले हैं इसके नेम आप चेंज कर सकते हैं भले ही। जैसे मैं अब कंट्रोल इंटर करूँगा, यहीं से मैं चाहूँ तो इसका नेम चेंज कर सकता हूँ, या कंट्रोल इंटर के ऐसे सिंपल इंटर करके भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सीधा चले जाऊँ वाउचर के अंदर में, और यहाँ मेरा सेल्स वाउचर ओपन है, अगर अभी मैं एंट्री करूँगा तो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा। मैं यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं सेल्स लेजर डाल दूँगा मेरा सेल्स अकाउंट वाला, यहाँ पे मैं जो भी आइटम की एंट्री करनी है वो आइटम ले लूँगा, गोडाउन वगैरह जो भी है मेरा वो डाल के, इस तरीके से मैं एक नॉर्मल एंट्री करूंगा। तो इसमें मुझे सारे डिटेल्स डालने पड़ गए। अब अगर मैं इस वाउचर को सेव करता हूं तो मैं इसको सेव कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल सेल्स वाउचर में एंट्री कर दिया। तो सेल्स वाउचर हो या अपना जीएसटी सेल्स वाउचर हो, आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी सेल्स पर जाऊँगा, F8 प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर मुझे ये दोनों वाउचर टाइप अपने दिखेंगे, सेल्स वाला जो पहले से बना हुआ था और जो मैंने नया बनाया वो भी दिखेगा। तो व्हीकल सेल्स में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ से भी मैं वो सारी एंट्री कर सकता हूँ। तो अब आप इसमें देख सकते हैं अपना वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक आ रहा है, इसमें पार्टी नेम वगैरह सब कुछ डालने के लिए सारा कुछ सेम डिटेल जैसा अपना सेल्स में था वही चीज़ें हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अपन वहाँ पे वाउचर नंबर डिफ़ॉल्ट अपना सेट करके रखे हैं, अपने हिसाब से प्रीफिक्स सफिक्स सब कुछ डाल के रखे हैं, तो इस तरीके से आ रहा है अपना। तो अपन प्रीफिक्स में VS/ रखे थे तो ये आ गया अपना वाउचर नंबरिंग आ गया 0001 करके, उसके बाद ईयर भी आ गया अपना सफिक्स वाला डिटेल। अब मान लीजिए अगर मैं इस वाउचर में एंट्री करता हूं, तो ये सारे डिटेल मुझे सेल्स अकाउंट, कस्टमर के नेम, आइटम डिटेल, उसका GST का डिटेल, ये सारा कुछ मुझे अपने से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इसी का अगर मैं वाउचर क्लास भी ऐड कर दूँ तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी। तो मैं वाउचर क्लास के बारे में भी थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो अल्टर में चले जाता हूँ, इधर मैं चले गया वाउचर टाइप में, व्हीकल जो अपन बनाए थे व्हीकल सेल्स वाला, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में चले जाते हैं, यहाँ पे मैं एक क्लास का नेम डाल देता हूँ, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। मैं यहीं पे फिर से क्लास का नाम व्हीकल सेल्स ही लिख देता हूँ, ठीक है। मैं VCS सेल्स करके शॉर्ट में ऐसा लिख दिया। अब इंटर करूँगा, इंटर करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ अपनी ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं क्लास लिखा हुआ है VCS सेल्स करके। सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इफ़ यू विश टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रुप्स टू विच दिस क्लास कैन नॉट बी यूज स्पेसिफाई हियर, अगर आप चाहते हैं इसमें ऐसे कोई ग्रुप हैं जो ये वाउचर क्लास आपका ना यूज करे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट, बैंक ODI अकाउंट, ये सब मुझे यूज करने की सेल्स में ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकता हूँ, कैश इन हैंड रखूँगा, क्योंकि कभी कभी मुझे कैश में भी सेल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं कैश इन हैंड, सन्ड्री डेब्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सब रख लूँगा, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर दूँगा। अगर इसमें से कुछ इंक्लूड करना है, जैसे आपने यहाँ तो डाल दिया, बाकी चीज़ें इंक्लूड करना है तो आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो इंक्लूड वाले में आपको जो रखना है आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं भी रखेंगे तो भी आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको यूज नहीं करना है तो एक्सक्लूड वाले में आपको रख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइस। अब जैसे अपना डिफ़ॉल्ट वाले में यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स करके आ रहा है, तो आप चाहें और भी आपके सेल्स वाले लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं यहीं से, सेल्स 18%, सेल्स 5%, सेल्स 12%। तो ये जो परसेंटेज वाला लेजर बनाते हैं दोस्तों अलग अलग, तो अगर आप आइटम के साथ में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं रहती, तब तो आप सिंगल अकाउंट ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आइटम के अंदर हम लोग GST डिसाइड कर देते हैं पहले से। लेकिन अगर आपने स्टॉक आइटम के साथ सेल नहीं किया हुआ है, आपकी सेलिंग विदाउट आइटम है, तो वहाँ पे फिर आपको अलग अलग क्रिएट करने पड़ते हैं, सेल्स 18% 12% इस हिसाब से चलता है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट भी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सेल्स @18% डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रखूँगा ग्रुप में अपना सेल्स अकाउंट्स में, यहाँ पे अपना लेजर टाइप में नॉट अप्लीकेबल ही रखना है, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग या इनवॉइस राउंडिंग वाला लेजर थोड़ी है। उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह अभी इसमें नहीं कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में अपने को GST नहीं डालना है, यहाँ नॉट अप्लीकेबल ही रखेंगे। यहाँ पे GST अप्लीकेबिलिटी इस वाले में अपने को डालना है डिटेल, तो यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे। इधर आपका जो भी आइटम का
जो भी आपके आइटम टाइप का HSN कोड है, SSC कोड है, आपके मान लीजिए सर्विस सेल है तो SSC कोड डालेंगे, अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो HSN कोड डालेंगे, तो आपके जो भी आइटम सेलिंग हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका HSN कोड है यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, HSN कोड जरूरी रहता है लेकिन डिस्क्रिप्शन की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है, फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं जिससे भी रिलेटेड है। और यहाँ पे आपका GST रेट भी डाल देना है, तो टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, जितना 18% है 18% डालेंगे, सर्विस है सर्विस करेंगे, गुड्स है तो यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे, इसको अपन सेव कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना सेल्स एट द रेट 18% ऐड हो चुका है। अब बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टैक्स क्लास वगैरह हमें कुछ भी यहाँ छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें आप बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं वाउचर एंट्री करते समय, या तो लेजर्स या आइटम्स में भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जो भी टैक्स क्लास है यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, नो ही करना है। यहाँ पे परसेंटेज अपना 100% ही यूज करेगा इसका आइटम का, मतलब जितना भी अमाउंट डालेंगे उसका 100% ही यूज करेगा। अब यहाँ पे ओवरराइड यूजिंग आइटम डिटेल्स करके है, तो आप इसको यस करके रख दीजिए, क्योंकि जब भी अपन आइटम क्रिएट करें तो आइटम का जो भी डिटेल रहे वो चीज़ उठाए, ना कि यहाँ से उठाए, ठीक है, तो इसको अपन यस करके रख सकते हैं। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ गया दोस्तों, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, टैक्सेस, अदर चार्जेज, ये सब चीज़ें। तो इसके अलावा भी जैसे आपका सेल्स हो गया, सेल्स के अलावा भी आपके कुछ अदर चार्जेज लग रहे हैं, कुछ टैक्सेस लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं उस इनवॉइस में जो भी चीज़ें हैं। तो जैसे आपको मान लीजिए ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हो गया, फ्रेट चार्ज हो गया, तो लेजर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी अगर मुझे यहाँ पे मैंने स्पेस दबाया, ये अपनी लेजर लिस्ट ओपन हुई, इसमें से अगर मुझे कुछ चीज़ें डालनी है तो मैं यहाँ पे इन लेजर्स का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ GST बस डालना है तो मैं GST यूज कर लूँगा, ठीक है। मान लीजिए आप सिर्फ लोकल सेलिंग करते हैं, व्हीकल सेल्स आपका सिर्फ लोकल ही सेल होता है, तो आप यहाँ पे CGST सेलेक्ट कर सकते हैं और SGST सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप इसको वाउचर में भी चेंज कर सकते हैं, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, तो इसको अपन सेव करते हैं। तो ये अपना वाउचर क्लास इस तरीके से बन जाता है, इसमें आपके एडिशनल लेजर ऐड हो गए। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा दोबारा वाउचर क्रिएट करने के लिए, तो अब दोस्तों जैसे अपन आते हैं यहाँ पे व्हीकल सेल्स अपने वाउचर में, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वाउचर क्लास नहीं आ रहा है, नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है। अपन ने जो भी वाउचर क्लास में सारे डिटेल्स डाले थे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको लेके कैसे आना है, यहाँ पे जो वाउचर क्लास लिखा हुआ है ये नॉट अप्लीकेबल से अपना वाला व्हीकल सेल्स वाला वाउचर क्लास कैसे लेके आना है, तो अपने को वापस से क्लिक करना है यहाँ पे दोस्तों सेल्स में। तो यहाँ पे जब सेल्स में क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे व्हीकल सेल्स मिलेगा। अब आप यहाँ पे व्हीकल सेल्स पे एंट्री करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लास लिखा हुआ है, तो क्लास में आपका वाउचर क्लास लिस्ट आ रहा है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है और VCH सेल्स करके है। तो अपन ने जो VCH सेल्स वाला वाउचर क्लास बनाया है, अब इसको अपने को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे VCH सेल्स करके आपका सेलेक्ट हो गया, पार्टी नेम आ रहा है, आइटम डिटेल आ रहा है, GST लेजर वगैरह सब कुछ आ गया। अभी मैं पार्टी नेम यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और देख लेते हैं पहले एक बार वाउचर क्लास कैसा आता है। और यहाँ पे मैं एक कोई व्हीकल सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ये गाड़ी सेलेक्ट किया और अपने आप ही CGST SGST ये कैलकुलेट होके आ गया। तो मेरा यही दिखाने का पर्पज था कि अगर आप वाउचर क्लास बना के रखते हैं तो आपकी कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, जैसे आपका लेजर्स वगैरह है तो ये सभी लेजर्स आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए, आपको लिखना नहीं पड़ा, आपको टाइप नहीं करना पड़ा। वैसे ही आप राउंड ऑफ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब 80 पैसा आ रहा है लास्ट में, मान लीजिए आपको इसको राउंड करना है तो एक राउंड ऑफ का भी अपन वाउचर क्लास में ऐड कर देते हैं। तो अल्टर में चले जाएंगे, वाउचर टाइप में चले जाएंगे, यहाँ पे अपना व्हीकल सेल्स करके इसमें चले जाएंगे, वाउचर क्लास में जाएंगे यहाँ पे सीधा, यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे आप लास्ट में राउंड ऑफ करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राउंड ऑफ नहीं बना हुआ है तो यहाँ बना लेते हैं एक राउंड ऑफ करके, तो राउंड ऑफ का लेजर बनेगा दोस्तों इस तरीके से। इसको अपन रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में, यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग सिलेक्ट कर लेना है, नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, राउंड लिमिट 1 रख देना है, तो आपका ऑटोमेटिक ही राउंड ऑफ का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी कैलकुलेशंस मेथड आ रहे हैं यहाँ पे अपने को। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग वाला, इसको अपन चूज कर लेंगे। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं अगर आपको जिसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ही अपने को रखना है, इधर नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, राउंड लिमिट 1 कर देते हैं यहाँ भी और इसको सेव कर देंगे। अब अगर अपन यहाँ पे चलें कोई एक वाउचर इनवॉइस करते हैं इधर जाके, तो यहाँ मैं पार्टी का नेम डाल देता हूँ,
यहाँ पे अपना कोई सा भी एक आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अपना जीएसटी भी आ गया और इनवाइस राउंडिंग भी आ गया दोस्तों। तो ये रहता है अपना वाउचर क्लास का कमाल। तो वहाँ पे आप ये सारे लेजर सेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आइटम का डिटेल डाला, बाकी जीएसटी और राउंड ऑफ अपने आप ही आ गया, इसके लेजर्स भी अपने आप ही आ गए। अपने को यहाँ पर बार बार जाके लेजर नेम सेलेक्ट नहीं करना पड़ा टाइप करके। तो इस तरीके से आप वाउचर क्लास बना सकते हैं, अपना वाउचर क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। इस एंट्री को आप अगर सेव करें तो ये सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर आपको इनवॉइस वगैरह बनाना है तो बना सकते हैं। इनवॉइस के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, इसको भी सीखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है क्या इसके लिए, क्योंकि अपन ने क्यूआर कोड इनेबल करके रखा था। तो यहाँ पे क्यूआर कोड यस करेंगे तो ये क्यूआर कोड जनरेट कर देगा, जो भी पार्टी का नेम है उसके लिए अपना इतने रुपये का अमाउंट का। अपना मर्चेंट प्रोफाइल अपन डाल के रखे थे, तो आप सेटिंग वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि मर्चेंट प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे। इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटेड सक्सेसफुली हो गया अपना। अब यहाँ पे अगर आपको इसको व्हाट्सएप से भी भेजना है तो यहाँ से आप व्हाट्सएप पे रजिस्टर करके भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे कैसे रजिस्टर करना है, क्या चीज़ें होती है, व्हाट्सएप का चार्ज वगैरह कितना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आपको, उसमें बताऊँगा सारी डिटेल्स को कैसे आप व्हाट्सएप एक्सेस ले सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है, सारी डिटेल में वीडियो बनेगी उसकी। तो अभी फ़िलहाल अपने को यहाँ पे बैक कर देना है, मैं स्केप करता हूँ। तो मैंने स्केप किया, हट गया अपना। अगर मैं अभी जाके उस वाउचर को यहाँ पे चेक करूँ, इधर मैं गया, अगर मैं इसको प्रिंट में जाके देखूँ, यहाँ पे प्रीव्यू मैंने किया तो ये कुछ इस तरीके से अपना डिटेल आ रहा है। इसमें आपको क्यूआर कोड वगैरह इनेबल करना है तो आप कॉन्फिगर में चले जाएंगे एक बार, यहाँ पर आप सो मोर भी कर सकते हैं। इधर काफ़ी सारे डिटेल्स आते हैं आपको यस नो करने के लिए। अब यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल अपने को ऐड करना है, तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल जो लिखा हुआ है इसको अपने को क्यूआर कोड लिंक एंड क्यूआर कोड जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना क्यूआर कोड का डिटेल अपने इनवॉइस में ऐड होके आ रहा है, यानी कि अब ये कस्टमर को जब भी बिल मिलेगा इसको स्कैन करके वो पे कर सकता है आपको। तो ये तो अपन फटाफट नॉर्मल एंट्री कर लिए दोस्तों जल्दी जल्दी में, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो अपने को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आपका जीएसटी के अंदर में उसकी बिलिंग नहीं जाएगी, उसका इनवॉइसिंग नहीं हो पाएगा। और इसमें बाकी भी आपको साइड में ऑप्शंस दिख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे चेंज मोड का एक ऑप्शन है, तो आप इसको आइटम इनवॉइस में एज वाउचर जैसा चेंज करना चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। अगर एज वाउचर चेंज करेंगे तो अपना इस फॉर्म में दिखेगा ये डेबिट क्रेडिट करके, यहाँ पे अपना कस्टमर डेबिट हो रहा है, कौन कौन से लेजर अपने क्रेडिट हो रहे हैं, ये सारा डिटेल इस फॉर्म में आपको दिखेगा। तो ये अपना डबल एंट्री सिस्टम बोल सकते हैं, या तो आप इसको वाउचर मोड भी बोल सकते हैं। तो वाउचर मोड इन द सेंस ऑफ सेल्स। और यहाँ पे आपका जो इनवॉइस आइटम है, तो ये आइटम इनवॉइस सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेट यूज होता है यही वाला यूज होता है, वाउचर मोड में बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। जब पुरानी टैली आती 7.2 वगैरह उसमें यूज होता था ज़्यादातर। अब दोस्तों इसमें आपने आइटम के साथ में बिलिंग किया, लेकिन अगर आपका कोई सर्विस वगैरह की बिलिंग है तो उसको आप कैसे करेंगे, तो यानी कि आप इसके थ्रू गुड्स की भी बिलिंग करेंगे और सर्विस की भी बिलिंग करेंगे। तो अगर आपको सर्विस की बिलिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार। अब अगर अपन चलें इसको एक बार वापस से यहाँ पर चलते हैं, जैसे सेल्स वाउचर में यहाँ पर जाते हैं, अपना जो नॉर्मल वाउचर है विदाउट क्लास वाला यहाँ पर जाते हैं और एक नॉर्मल एंट्री करके देखते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस वाली। तो यहाँ पर अपन चले जाएँगे अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर में। यहाँ पे जैसे अपन ने रेफरेंस नंबर डेट ये इनेबल किया हुआ था तो आ रहा है अपना, यहाँ पे आप अपने हिसाब से रेफरेंस नंबर वगैरह डाल सकते हैं। पार्टी का डिटेल अपन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे आप अभी इतने पे हैं पार्टी डिटेल में, अपना एक कर्जर अभी रुका हुआ है, तो आप यहाँ पे भी F12 करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप F12 करेंगे तो आपको सेपरेट डिटेल डालने के लिए भी मिल जाता है, बायर कंसाइनी का मेलिंग डिटेल वगैरह आ गया, पिन कोड, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल हो गया। तो यहाँ से भी आप ऑप्शंस इनेबल कर सकते हैं। तो आपको अगर बायर कंसाइनी डिटेल अलग अलग रखना है तो आप इसको यस कर लीजिए, तो आपको बायर कंसाइनी अलग अलग दिखेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप बायर का डिटेल डाल सकते हैं, इधर आप कंसाइनी का डिटेल डाल सकते हैं। तो कंसाइनी मतलब आपका सामान जहाँ पर पहुँच रहा है, और बायर मतलब जिसके नाम से आप बिल बना रहे हैं। तो ज़्यादातर कंडीशन में बायर का डिटेल और कंसाइनी डिटेल सेम ही रहता है,
कभी कभी अपना अगर अलग अलग जगह सामान आपका उतर रहा है तो कंसाइनी में जहाँ पे सामान उतर रहा है उसका डिटेल डालेंगे, और बायर का आपका जो बिलिंग हो रही है उसकी डिटेल डालेंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स में अपने को लेजर सेलेक्ट करने के लिए आ गया। तो अब यहाँ पे दोस्तों अपन सेल्स अकाउंट या सेल्स 18% में कौन सा सेलेक्ट करेंगे, अब ये मेन क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करूँगा तो इसमें अपना कोई भी जीएसटी का डिटेल नहीं डला हुआ है, यानी कि ये आपका प्रॉपर वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ये अगर आपका आइटम के साथ में यूज करना है तो ये आप यूज कर सकते हैं स्टॉक आइटम के साथ में, क्योंकि आइटम के अंदर में जीएसटी डिटेल डला रहता है। भले ही यहाँ पे अगर नहीं डला है जीएसटी डिटेल, जीएसटी परसेंटेज नहीं डला है, अगर आपका आइटम में डला रहेगा तो वहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अगर अपन अकाउंटिंग इनवॉइस कर रहे हैं बिना आइटम के सेल कर रहे हैं तो अपने को ऐसा लेजर सेलेक्ट करना है जिसमें अपने को जीएसटी डिटेल डला हो अंदर में। तो यहाँ जैसे 18% डला हुआ है तो अपन इसी को यूज़ करेंगे ताकि अपना ये प्रॉपर कैलकुलेशन हो सके जीएसटी का। तो मैं यहाँ पे चलिए अगर 50,000 का सेल कर रहा हूँ तो अब इसमें कॉस्ट सेंटर का भी डिटेल आ रहा है, तो आप चाहें तो अगर कॉस्ट सेंटर आपको इस लेजर के अंदर नहीं रखना है, डिसेबल करना है, तो आप यहाँ से डिसेबल मोड डिटेल में चले जाएंगे, यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। तो इधर कॉस्ट सेंटर यस नो करने का ऑप्शन आता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं सेल्स 18% इधर 50,000 रुपये डाल देता हूँ। अब उसके बाद मुझे लेजर चूज करना है, मैंने यहाँ पे सीजीएसटी चूज किया, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये अपना सीजीएसटी ले लिया। तो ये टैली का डिफॉल्ट फीचर ही होता है दोस्तों कि अपना सीजीएसटी वगैरह ले लेता है, लेकिन ये आपका कैलकुलेट कैसे कर लेता है, आप कौन सी गलती नहीं करते हैं कि आपका ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाता है। तो पहली चीज़ जो है कि अपन यहाँ पे जो जीएसटी परसेंटेज डाल के रखे हैं ये भी इफेक्ट करता है ऑटो कैलकुलेट के लिए, आपका वहाँ परसेंटेज होना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ जो भी आप यहाँ पे बायर डिटेल में जो चीज़ें डालते हैं पार्टी अकाउंट नेम के आगे, यहाँ डिस्पैच डिटेल के आगे में जो ये पार्टी डिटेल आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने स्टेट डाला और ये प्लेस ऑफ सप्लाई डाला, तो ये चीज़ जब आप डालते हैं तो आपका वहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आता है। अब जैसे आपका इंटर स्टेट रहेगा, अगर मैं यहाँ पे IGST चूज करूँगा तो उसमें ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे अभी हटा दूँ इसको और इधर मैं IGST अगर लिखूं, तो अब आप देख सकते हैं ऑटो कैलकुलेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे टैली में यहाँ मैंने कंपनी क्रिएट करते समय जो भी स्टेट का नाम डाला है यहाँ पे अपने GST में जो भी स्टेट का नाम डाला है, वो स्टेट का नाम आपका इधर अगर मैच करेगा तो आपका CGST होगा, अगर वो स्टेट का नाम नहीं मैच किया अदर स्टेट है तो IGST होगा। तो सीधा सीधा फंडा यही रहता है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे बिलिंग करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए एक बार, आपका अगर GST ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आप उसको ट्रैक करिए आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। और वैसे ही यहाँ पे अगर आपके अलग अलग GST रजिस्ट्रेशन है तो आपका यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आ ही रहा है, दूसरा रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी रजिस्ट्रेशन की आपकी बिलिंग है वहीं से आप बिलिंग करिए, और ये भी अपना वाउचर यहाँ पे उसके बाद इंटर करके सेव कर देंगे। आप ये करके जो भी आपने जिस भी चीज़ का चार्ज लिया है उसका पूरा डिटेल लिखेंगे, आपका वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर, सारा डिटेल डेट के साथ में नरेशन में डालेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर सेव करेंगे। तो ये तो अपनी दोस्तों हो गई आइटम की सेल और सर्विस की सेल, किस तरीके से अपन आइटम और सर्विस सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे डे बुक में अगर चलें तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ये जो अपना अभी सर्विस वाली सेल्स की एंट्री डाले बिना आइटम के ये वाली हो गई, और ये हो गई अपनी विथ आइटम के साथ में। अब इसमें आपको डिलीट के भी ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आपको ये वाउचर्स डिलीट करने हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपको यहीं पे वाउचर इंसर्ट करना है, इसका डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट करना है, अल्टर करना है, तो ये सारे डिटेल्स मैं पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूँ इनके बारे में। और यहीं से आपको अगर वाउचर वगैरह कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। आप अपनी टैली में एक बार इन सबको वाउचर क्रिएट करिए, उसको डिलीट करिए, कैंसिल करिए, तो ये इस तरीके से आपको अनुभव मिलेगा। और जो भी सेटिंग्स मैंने बताया हुआ है आप वो सेटिंग्स एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। अब ये तो अपन सेल कर दिए दोस्तों, अपना सेल हो गया, जो भी सामान है अपन सेल कर दिए। अब अगर अपने को रिटर्न की एंट्री लेना है तो रिटर्न कैसे लेंगे, तो रिटर्न अपना होता है क्रेडिट नोट के थ्रू। तो क्रेडिट नोट का भी वाउचर आप सेम इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट में चले जाना है, इधर वाउचर टाइप में चले जाएंगे, यहाँ पे आपका जो भी है व्हीकल क्रेडिट नोट यानी कि रिटर्न आपका सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अंडर क्रेडिट नोट ही आपको रख देना है। और यहाँ पे भी आप ऑटोमेटिक मैनुअल जैसा आपको वाउचर नंबरिंग सेट करना है अभी जो मैंने बताया उस तरीके से सेम चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल GST है तो यहाँ पे सीरीज फॉर ऑल GST यस कर देंगे। तो अपना ये भी
क्रेडिट नोट का भी वाउचर इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब अपन यहाँ चलें वाउचर्स में, यहाँ अदर्स वाउचर में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट करके ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर क्रेडिट नोट वाउचर करके भी आ रहा है और यहाँ पे व्हीकल क्रेडिट नोट जो अभी अपन ने बनाया वो भी आ रहा है। इसका शॉर्टकट की है Alt F6 करके, तो आप यहाँ से जाके अदर वाउचर से भी ओपन कर सकते हैं, या तो आप Alt F6 प्रेस करेंगे तो भी आपका ये वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका GST रजिस्ट्रेशन टाइप आता है, आपका अदर रजिस्ट्रेशन है यहाँ से चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर अपन पार्टी का नेम लिखेंगे, जिससे भी अपने को सामान रिटर्न आया है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपका सारा डिटेल जैसा जो है बायर का कंसाइनी का आपको फिल कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छा अभी अपन यहाँ पे अकाउंटिंग मोड में है इसलिए यहाँ पे आइटम नहीं आ रहा है, सीधा लेजर का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मोड चेंज कर लेंगे, अपना आइटम रिटर्न हुआ है तो यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस मोड से चले जाएंगे आइटम इनवॉइस मोड में। तो आइटम इनवॉइस मोड में जाएंगे दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ अपना ये आ रहा है ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल डालने के लिए। तो आपको किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपका रिटर्न हो रहा है सामान उसका आपको डिटेल डालना है। अगर आप ये डिटेल नहीं डालते हैं तो आपका GST में एरर आएगा। तो ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा, जो भी आपने वाउचर बनाया होगा सेल वाला वहाँ से मिलेगा। जैसे अपना इस सेल का ये वाउचर बना है, अब इसका आप देख सकते हैं ये वाला है इनवॉइस नंबर और इस डेट में है 3 जनवरी में डला हुआ है VS/0001/23/24। सेम डिटेल आपको यहाँ पे डालना है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में, तो VS/0001/23/24 डेट आपको इधर डाल देना है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बायर का डिटेल सेम वही आता है, पार्टी का जो भी डिटेल है बायर और कंसाइनी डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, प्राइस लेवल अपन इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अपना डीलर का है, कस्टमर का है, रिटेलर का है, तो आप अलग अलग प्राइस लेवल्स पे सेल कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको नॉट अप्लीकेबल करता हूँ। अब इधर अपन लेजर चूज करते हैं कि आपने जब लास्ट टाइम सेल किया था कौन से लेजर से सेल किया हुआ था, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका आइटम डिटेल आ जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपने जो भी आइटम रिटर्न में डाला हुआ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आपका गोडाउन नेम आएगा, गोडाउन नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे साथ में आपको दिखते रहता है कौन सा आइटम किस गोडाउन में कितना सेल हुआ है, वो आपका जैसे माइनस में दिख रहा है तो आपने सेल कर दिया बिना परचेस के, इसलिए माइनस में दिख रहा है। और यहाँ पे आपका ये बैच नंबर वगैरह आ जाता है, कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई, एक डालेंगे, रेट अपने आप आ गया जो आपने सेल किया हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना GST भी डल जाता है इधर लास्ट में, अपने को GST डिटेल डाल देना है, CGST SGST। ठीक है, कुछ राउंड ऑफ है तो यहाँ राउंड ऑफ लेजर सेलेक्ट करेंगे, आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोवाइड GST इनवॉइस डिटेल करके आता है, इसको यस कर लेना है अपने को। सेल्स रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी बायर ने आपको डेबिट नोट दिया होगा, उसने आपको डेबिट नोट बना दिया होगा तो आप रिटर्न ले रहे हैं। लेकिन किसी कभी कभी होता क्या है, बायर अपने को डेबिट नोट नहीं देता हो, क्योंकि कंज्यूमर रहता है, वो क्या डेबिट नोट देगा। तो आप सेम क्रेडिट नोट वाला ही नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, इधर 1 कर देंगे और यहाँ पे डेट डाल देंगे, जो भी आपका वाउचर डेट है वही। अब यहाँ पे पार्टी का प्लेस आ रहा है, ई इनवॉइस के लिए है। तो ई इनवॉइस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो फिलहाल अपन यहाँ पे कुछ नहीं डालते, एंटर करते हैं इसको और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे प्रॉपर तरीके से, बीइंग आइटम रिटर्न आइटम का आप नाम लिख दीजिए, वाइड बिल नंबर या जो भी है, सारा डिटेल आपको लिख के इसको सेव कर देना है। यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करने के लिए बोलेगा, जनरेट करना है तो कर सकते हैं। तो अभी अपनी रिटर्न की एंट्री डल गई। अभी आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल सेल क्रेडिट नोट डला हुआ है, एक अपना सेल्स करके डल गया, तो ये रिटर्न हो गया अपना। इसके आप लेजर में भी जाएं, ABC के लेजर में जाएं तो यहाँ पे भी लेजर में भी आपको दिखेगा। ठीक है, वैसे ही आप इसको सेल्स रजिस्टर में भी देख सकते हैं। तो आपको जो भी रिपोर्ट्स देखने हैं दोस्तों, एक तो डेबुक यहीं दिखता है, डेबुक में देख लीजिए कौन सी एंट्री डली है, या तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाइए, यहाँ अकाउंट बुक्स में जाइए, इधर लेजर्स में जाके यहाँ से भी आप लेजर ABC का ओपन कर लेंगे, यहाँ भी दिख जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे अकाउंट बुक्स के अंदर ही ये सभी रजिस्टर दिख रहे हैं, सेल्स रजिस्टर हो गया तो सेल्स रजिस्टर में सेल्स की एंट्री दिख जाएगी, क्रेडिट नोट रजिस्टर हो गया तो क्रेडिट नोट में क्रेडिट नोट की एंट्री दिख जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों अपने को एंट्रीज यहाँ पे रिटर्न वाली भी दिख जाती है। अब अगर आपको GST रिपोर्ट वगैरह भी देखनी है इसकी, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले में चले जाएंगे, स्टेचुरी रिपोर्ट्स में यहाँ पे चले जाएंगे
और यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में जाके यहाँ से जीएसटी R1 में जाएंगे तो जीएसटी R1 में अपना सेल्स की एंट्री दिखती है। तो यहाँ पे आपने जो भी सेल्स किया होगा तो आपकी जिस भी पीरियड की एंट्री होगी आप यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एंट्रीज दिख रही है अपनी B2C स्मॉल में, तो यहाँ पे आपके B2C स्मॉल में जिस भी रजिस्ट्रेशन की आपने एंट्री किया था रजिस्ट्रेशन डिटेल आपका दिख जाएगा, कौन सी स्टेट की एंट्री है, कितनी परसेंट की एंट्री हो, सारा डिटेल आपका यहाँ पे दिखता है, रिटर्न हुआ, सेल हुआ, सब कुछ इधर दिख जाता है। तो जीएसटी रिपोर्ट अपनी जनरेट हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपर एंट्री करते हैं सेल की रिटर्न की तो आपकी जीएसटी रिपोर्ट भी एकदम प्रॉपर ही जनरेट होगी। उसके बाद आपने डिलीवरी नोट रेज किया, फिर उसके बाद आपने सेल्स बिल बनाया, उसके बाद फिर आपने कुछ रिटर्न हुआ तो रिटर्न की एंट्री ली, तो ये पूरा प्रोसेस एक रहता है। तो अभी अपन ने जो समझा सेल्स बिल कैसे बनाना है और रिटर्न कैसे लेना है। अब इसमें अगर आपको रिसिप्ट वगैरह की एंट्री लेनी है तो आप रिसिप्ट की भी एंट्री ले सकते हैं। मान लीजिए ABC लेजर में मैं गया, अब यहाँ पे आपको 1,00,000 समथिंग दिखा रहा है, 1,01,000 रुपये दिखा रहा है, लेना है पार्टी से। अब पार्टी से कुछ पैसा अगर आता है तो आप उसकी रिसिप्ट की एंट्री ले सकते हैं। तो यहीं पर अगर रिसिप्ट की एंट्री ऐड करना है, ऑल्ट ए करेंगे और यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में जाके अपन यहाँ पे ABC से रिसिप्ट की एंट्री ले सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने 55,000 रुपये दे दिया अपने को, किस बिल के अगेंस्ट में दिया, आप यहाँ से बिल का डिटेल सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से बैंक का चेक दिया उन्होंने, बैंक में सिलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे आपको चेक नंबर वगैरह सारा डिटेल इधर डाल देना है और ये एंट्री को सेव कर देंगे, तो अपना यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री भी डल जाएगी। तो इस तरीके से इनका लेजर अकाउंट कम हो जाएगा। तो ये अपनी प्रॉपर एंट्री अपन सेल्स की इस तरीके से करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परचेज की प्रॉपर एंट्री कैसे करना है। और ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।